हेलो स्टूडेंट्स आम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टिस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं लास्ट यूनिट का 4.3 चैप्टर वर्ल्ड हेरिटेज बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर हम वर्ल्ड हेरिटेज का मीनिंग देख लेते हैं तो बच्चों हेरिटेज मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी में फीचर्स जो है वो स्पेशल है यूनिक है और आज भी उसे सोसाइटी में स्पेशल इम्पोर्टेंस दिया जाता है उसकी यूनिवर्सल वैल्यू है ऐसी प्लेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में कुछ इमेजेस दी गई है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज का एग्जाम्पल है जैसे कि ये इमेज ये एलोरा केव्स की है जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आता है सो so बेसिकली एलोरा एक ऐसी प्रॉपर्टी है एक ऐसा हिंदू टेंपल है जिसे 600 हंड्रेड सी में बनाना स्टार्ट किया गया था बाय राष्ट्रकुटा डायनेस्टी पर अभी तक इस जगह को संभाल कर रखा गया है क्योंकि अंदर जो मूर्तियाँ है जो आइडल्स है वो हिंदू बुद्धिस्ट और जैनिज्म के लिए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं इसीलिए प्लेस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा है बच्चों नेक्स्ट इमेज है कास प्लेट्यू की कास प्लेट्यू कोई कल्चरल साइट नहीं है क्योंकि किसी ने इसे बनाया नहीं है ये नेचर का वर्क है इसीलिए कास प्लेट्यू नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है जो कि 25 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है और सातारा सिटी महाराष्ट्र में आता है नेक्स्ट है लोटस टेंपल ऑफ दिल्ली जिसे 1986 में बनाया गया था एंड इट्स ओपन फॉर ऑल द कल्चर रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन लास्ट इमेज है गीजा की गीजा एक इजिप्शियन सिटी है जो कि घर है बहुत से आइकॉनिक इजिप्शियन मॉन्यूमेंट्स का तो बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट या प्लेस वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी या वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आएगी या नहीं ये डिसीजन लेने का काम यूनेस्को करता है यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसके फीचर्स ये है कि ये ऐसी कल्चरल चीज़ों को संभाल कर रखते हैं जो कि रेयर है जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता जो मानवता के लिए नेचुरल इंपॉर्टेंस रखते हैं और ऐसी रेयर प्लेसेस को प्रोटेक्ट और मेंटेन करने के लिए यूनेस्को कमेटी एक प्रोग्राम मैनेज करती है जिसका नाम है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम एंड ये सब करना जरूरी भी है क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसी प्लेसेस है जो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मीनिंग इंडिकेट करती है जो कि स्पेशल है दोनों ही तरीकों से कल्चरली भी और नेचुरली भी सो so, ये साइट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है क्योंकि कहीं कहीं पे आपको साइट पर फॉरेस्ट लेक स्टैच्यू देखने मिल सकते हैं और कहीं पर तो पूरी सिटी ही हेरिटेज साइट से भरी होती है कल्चरली एंड नेचुरली मतलब ये टाइप्स है साइट के वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है जैसे कि फर्स्ट टाइप है कल्चरल सेकेंड है नेचुरल एंड थर्ड है मिक्स्ड मिक्स मतलब कल्चरल एंड नेचुरल दोनों का भी कॉम्बिनेशन तो बच्चों कल्चरल हेरिटेज साइट्स के अंदर हिस्टोरिक बिल्डिंग टाउन सिटी स्कल्पचर्स पेंटिंग और आर्कियोलॉजिकल साइट्स आती है वही नेचुरल साइट्स मतलब सिर्फ नेचुरल एरिया जो कि नेचर से हमें अपने आप मिला है और उसकी आउटस्टैंडिंग ब्यूटी या एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी के लिए वो मशहूर है फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट लेक्स प्लेट्यूज और मिक्स हेरिटेज साइट का मतलब है कुछ ऐसी साइट जो हिस्टोरिकल साइट भी है और नेचुरली ब्यूटीफुल भी है मतलब कल्चरल और नेचुरल दोनों का भी कॉम्बिनेशन है फॉर एग्जाम्पल माउंट हुआंगशान। जो कि चाइना की एक येलो माउंटेन की रेंज है ये कल्चरली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि अगर चाइना के हिस्ट्री में झाँक कर देखा जाए तो ये माउंटेन वहाँ के चाइनीज आर्ट और लिटरेचर से संबंधित है वही दूसरी ओर ये जितनी कल्चरली इम्पॉर्टेंट है उतनी ही नेचुरली भी बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लैंडस्केप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लैंडस्केप मतलब लैंड एरिया के सारे विजिबल फीचर्स अब माउंटेन uh, होने की वजह से माउंट काफी ऊंची है वहाँ पर बादल नीचे नजर आते हैं एंड ओवरऑल वो काफी ब्यूटीफुल है वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल की बायोडाइवर्सिटी भी है इसीलिए ये प्लेस मिक्सड हेरिटेज साइट में आती है तो बच्चों यहाँ पर तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है अब बढ़ते हैं पॉइंट फर्स्ट के ओर हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट हाउ एवर ये जो आइडिया था कल्चरल पर जो स्पीड थी इस काम के रियल फॉर्मेशन की वो नाइनटीन फिफ्टी तक तो थी ही नहीं अब जरा नाइनटीन फिफ्टी फोर में हुए एक इंसिडेंट पर जरा सी नजर डालते हैं जिसके वजह से वर्ल्ड हेरीटेज साइट कमिटी का नाम हो गया था नाइनटीन फिफ्टी फोर में हुआ ये था कि इजिप्ट ने एक प्लान स्टार्ट किया था Uh, दुनिया का सबसे बड़ा डैम आशमान हाई डैम को बिल्ड करने का ताकि वो नाइल नदी के पानी को कलेक्ट और कंट्रोल कर सके अब बिगनिंग में डैम कंस्ट्रक्शन के लिए जो फर्स्ट प्लान बनाया गया था वो फेल हो गया था क्योंकि डैम के कंस्ट्रक्शन के वजह से वैली में पानी जमा हो गया था जहाँ थर्टीन सेंचुरी में बनाया गया अबू सिम्बल टेम्पल और भी कई सारे पुराने इजिप्शियंस ऑब्जेक्ट मौजूद थे जो पानी के वजह से बर्बाद हो सकते थे इसलिए टेम्पल और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को ने 1959 में एक इंटरनेशनल अभियान लॉन्च किया जो डैम के कंस्ट्रक्शन के प्लानिंग के लगभग चार पाँच साल बाद स्टार्ट किया गया था और इस दौरान हुआ ये था कि वैली में जितने भी स्टैचूज टेम्पल्स मौजूद थे उन्हें मशीनों की मदद से डिसमेंटल किया गया था डिसमेंटल मतलब किसी भी चीज़ के पीसेस कर देना तो वो जो टेंपल या स्टैचू की रॉक थी उसकी कटिंग करके पीसेस में डिवाइडिंग करके उसे शिफ्ट किया गया था हायर ग्राउंड पर जहाँ पर पानी ना पहुँच सके पर ये सब इतना आसान नहीं था क्योंकि रॉक को वैली से उठाकर हाइट पर शिफ्ट करना था और कई सारे चैलेंजेस को फेस भी करना था इसलिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ यूएस डॉलर एटी मिलियन लग रहे थे जो कि काफ़ी तगड़ी रकम थी पर इसका भी सॉल्यूशन मिल गया फिफ्टी डिफरेंट कंट्रीज़ ने मिलकर डॉलर 40 मिलियन इस प्रोजेक्ट के लिए दिए जिससे इजिप्ट को काफ़ी मदद मिली और उनका ये डैम बनाने का सपना भी पूरा हो गया इस प्रोजेक्ट के सक्सेस की वजह से यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट दोनों भी टीम ने मिलकर एक मनी ऑर्डर एग्रीमेंट ऑर्गेनाइज किया बिटवीन स्टेट्स ताकि वो किसी भी पैसे वाले मुद्दे को सॉल्व कर सके और किसी भी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर सके मनी ऑर्डर एग्रीमेंट मतलब ये एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जिस पर सभी कंट्रीज़ के सिग्नेचर होते हैं जो टाइम पड़ने पर फंड रेस कर सके यहाँ तक की यूनेस्को सिर्फ कल्चरल हेरिटेज साइट्स को ही प्रोटेक्ट करते थे नेचुरल हेरिटेज साइट्स का इनमें कोई समावेश नहीं था उसके बाद 1965 में व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस जो कि ऑफिशियल रेसिडेंस वर्कप्लेस थी यूएस के प्रेसिडेंट की उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट ओपन कर ली ताकि वो हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स के साथ साथ नेचुरल साइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सके यानी की एक ही तीर से दो निशान ताकि एक ही ट्रस्ट से दोनों कल्चरल और नेचुरल साइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके फाइनली तीन साल बाद 1968 में इंटरनेशनल यूनियन जो कि नेचर के कंजर्वेशन पर नेचर को बचाने पर वर्क करते थे उन्होंने भी सिमिलर आइडिया पर यानी कि नेचुरल साइट्स को प्रोटेक्ट करने के आइडिया को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया जो की स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी नाइनटीन में एट टाइम मीटिंग का मेन मुद्दा था ह्यूमन एनवायरनमेंट पर वर्क करना अब क्योंकि नेचुरल साइट भी एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है इसलिए इंटरनेशनल यूनियन का प्रेजेंटेशन देखकर उनके इंटेंशन को समझकर के रखे गए एग्रीमेंट पर चिंता जताते हुए यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने नवंबर 16 1972 में ये फैसला लिया कि वो कल्चरल के साथ साथ नेचुरल हेरिटेज साइट्स को भी प्रोटेक्शन देंगे नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी तो आज के तारीख में वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एक मेन ग्रुप है जो ये फैसला लेता है कि कौन सी साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में जाएगी और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी फॉर एग्जाम्पल इंडिया से यूनेस्को ने टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को अपने हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है जबकि इन 40 प्लेसेस के अलावा भी इंडिया में बहुत सी कल्चरल हेरिटेज इंपॉर्टेंस रखने वाली प्लेसेस है जो यूनेस्को के लिस्ट में आने के लिए बीस बीस तीस तीस सालों से वेट कर रही है फिर भी अभी तक उनका नंबर नहीं लग पाया है तो बच्चों ये जो कमेटी है इसके जो मेंबर्स है वो साल में एक बार एक दूसरे से मिलते हैं और ये कमेटी कुछ रिप्रेजेंटेटिव से बनी है रिप्रेजेंटेटिव मतलब पर्सन जिसे चूज किया जाता है सबकी ओर से बोलने के लिए जिसे हम स्पोक पर्सन भी कहते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव 21 स्टेट पार्टीज से होती है जिन्हें छः साल के लिए इलेक्ट किया जाता है मतलब इन ट्वेंटी वन स्टेट पार्टी से जो रिप्रेजेंटेटिव है इनके पोजीशन सिर्फ 6 साल के लिए ही होती है ये 6 साल के लिए ही चुनकर आते हैं और उसके बाद ये चेंज हो जाते हैं और इन्हें चुनने का काम भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेंटर जनरल असेंबली करती है अब ये ट्वेंटी वन स्टेट पार्टीज क्या है तो बच्चों ट्वेंटी वन पार्टीज कंट्रीज़ है जो अपना पूरा सपोर्ट देती है वर्ल्ड हेरिटेज एग्रीमेंट को और पूरे लॉयल्टी के साथ काम करती है इसी ट्वेंटी वन स्टेट पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में न्यू साइट को आइडेंटिफाई एंड नॉमिनेट करने का काम करते हैं नॉमिनेट करना मतलब सजेस्ट करना अगर सजेस्ट करने के बाद अगर वो प्लेस कमिटी मेंबर्स के क्राइटेरिया में बैठती है तो फिर उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो कोई भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे बनती है वो हम देखेंगे यू तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए फाइव स्टेप्स लगते हैं जिसमें से फर्स्ट स्टेप है कि स्टेट पार्टी को रेयर कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स की डिटेल लिस्ट बनानी पड़ती है जिसमें उस साइट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हो जैसे वो कब बनी है किसने बनाया था वो कौन से कल्चर से बिलोंग करती है कितने एरिया में फैली हुई है फीचर्स क्या है वैल्यूज़ ऑब्जेक्टिव और कुछ ऐसी बातें जो उस प्लेस को अपने आप में ही एक यूनिक प्लेस बनाती है और सबसे जुदा भी बच्चों इस लिस्ट को टेंटेटिव लिस्ट मतलब की अनकन्फर्म लिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इस लिस्ट में साइट्स की चेकिंग की जाती है कि क्या वो सच में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लायक है या नहीं इसमें ये फिक्स नहीं होता है कि सजेस्टेड साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी ही बस इतना समझ लो कि ये एक चेकिंग लिस्ट है और ये करना इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि सजेस्टेड साइट को तब तक कंसिडर नहीं किया जाता है जब तक कि वो टेंटेटिव लिस्ट में शामिल ना हो जाए सेकेंड स्टेप में स्टेट पार्टीज बहुत डिस्कशन करके फाइनली टेंटेटिव लिस्ट में से अनकन्फर्म साइट को कन्फर्म कर लेते हैं एंड हेंस फिर उस साइट का नेम नॉमिनेट फाइल में शामिल कर दिया जाता है जहां ऑफिशियली उस प्लेस को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट की पोजीशन के लिए सजेस्ट किया जाता है थर्ड स्टेप में नॉमिनेशन फाइल में जिन भी साइट्स का नेम है उनका फिर से एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और ये काम करती है टू एडवाइसरी बॉडीज जिनका नाम है इंटरनेशनल काउंसिल एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन इन दोनों बॉडीज़ के एडवाइस देने के बाद ही कल्चरल या नेचुरल साइट पर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी नज़र डालती है फोर्थ स्टेप है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी साल में एक बार मिलती है और वहाँ पर फिर से एक बार वो सजेस्टेड साइट का एनालिसिस करते हैं और उस प्लेस को एग्जामिन करने के बाद वो उसे फाइनली वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल देते हैं फिफ्थ और लास्ट स्टेप है कि ये डिटरमाइन करना कि नॉमिनेट साइट साइड सिलेक्शन क्राइटेरिया में से किसी भी एक क्राइटेरिया में फिट बैठती है क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब ये एक टेन पॉइंट्स की लिस्ट है जिसमें से टोटल सिक्स कल्चरल और फोर नेचुरल बेसिस पर साइट का सिलेक्शन किया जाता है उसे जज किया जाता है पर इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि दस के दस प्रिंसिपल उस नॉमिनेट साइट में बैठे अगर कोई एक भी बैठ रहा है तो उस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में प्रिंट कर दिया जाता है जिससे कि वो साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है अगर एक बार साइट इस प्रोसेस से गुजर जाती है और इसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी कंट्री की प्रॉपर्टी हो जाती है यानी कि उसका कोई मालिक नहीं होता है जो उसे बेच सके या उस पर हक जता सके वो प्लेस सरकार की हो जाती है और साथ ही वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी बन जाती है नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बच्चों इस पॉइंट में 2009 की बात की जा रही है 2009 में 890 हंड्रेड एंड नाइन्टी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी जो 148 कंट्रीज़ में लोकेटेड थी अब इस 890 साइट में से 689 साइट्स कल्चरल थी जिसमें से कुछ प्लेसेस के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं फर्स्ट है सिडनी ओपेरा हाउस जो कि ऑस्ट्रेलिया में है एंड सेकंड है हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ वियना इन ऑस्ट्रिया उसमें से 176 नेचुरल साइट्स है जैसे कि यूएस येलो स्टोन एंड ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव साइट्स मिक्सड है जो नेचुरल और कल्चरल दोनों भी है फॉर एग्जाम्पल पेरू माचू पिचू बच्चों सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स इटाली कंट्री में है टोटल फोर्टी फोर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इटाली में है इंडिया भी हेरिटेज साइट्स के मामले में हाईएस्ट पोजीशन पर है क्योंकि यहाँ टोटल थर्टी सिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जिसमें से ट्वेंटी एट कल्चरल है सेवन नेचुरल और वन मिक्स्ड हेरिटेज साइट है बच्चों वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमिटी ने वर्ल्ड कंट्रीज को फाइव हिस्टोरिकल जोन्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू हेरिटेज साइट्स तो फर्स्ट जोन है अफ्रीका सेकेंड है अरेबिक स्टेट्स थर्ड है एशिया पैसिफिक फोर्थ है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एंड फिफ्थ वन है लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन लास्ट पॉइंट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर लाइक मेनी नेचुरल एंड हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड बहुत सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो खतरे में है क्योंकि वो किसी भी वक्त डिस्ट्रॉय हो सकती है या हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है वॉर के चलते पोचिंग की वजह से कोचिंग मतलब किसी भी एनिमल का शिकार करना बिना किसी परमिशन के और इसी के वजह से आज दुनिया में एनिमल स्पीसीज बहुत कम हो चुके हैं और बहुत से तो बचे ही नहीं है तो पोचिंग के वजह से नेचुरल हैरीटेज साइट्स के वाइल्ड लाइफ को खतरा हो सकता है है इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक की वजह से भी हेरिटेज साइट्स डैमेज हो जाते हैं और डैमेज हो जाने के दूसरे कारण है हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक एयर पोल्यूशन एसिड रेन अनकंट्रोल अर्बेनाइजेशन अर्बनाइजेशन मतलब सिटी का एरिया एक्सपांड करना और ऐसा करने के लिए अगेन ट्रीज को काटा जाता है जो हेरिटेज साइट की ब्यूटी को और एनिमल्स की लाइफ को दोनों को भी नष्ट कर देते हैं बच्चों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि डेंजर में है रिस्क में है उनका नाम सेपरेट लिस्ट में लिखा जाता है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर नाम के लिस्ट में और फिर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का काम होता है कि वो इन डेंजर साइट्स को बचाए इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर्ल्ड हेरिटेज फंड में जो भी पैसा जमा होता है उससे कुछ रिसोर्सेज भेज कर ऐसी डेंजर साइट्स को बचाने का काम करती है इन एडिशन अलग अलग तरीकों से प्लान से उस नष्ट हो चुकी जगह को प्रोटेक्ट या रि करने की कोशिश की जाती है हालांकि अगर इस रिपेयरिंग के दौरान अगर वो प्लेस अपने नेचुरल और ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स को खो देती है जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में तो होता यह है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी उस साइट का नाम लिस्ट में से डिलीट कर देती है तो इसी के साथ वर्ल्ड हेरिटेज का लास्ट पॉइंट यही पर फिनिश होता है अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में